डिटेल्स आपसे लेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें, शाजापुर से एक बड़ी खबर आ रही है। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे नंबर 52 पर एक हादसा हो गया। एसी कोच स्लीपर बस ट्रक से टकरा गई और बस में सवार यात्रियों में से करीब 12 यात्री घायल हो गए। श्योपुर से इंदौर के लिए ये इंटरसिटी बस जा रही थी। घायल जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। शाजापुर बाईपास के पास ये दुर्घटना हुई और एसी स्लीपर बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से जो इसमें सवार करीब यात्री थे, 12 यात्री उसमें से घायल हुए और 12 यात्रियों को काफी चोट आई है। श्योपुर से इंदौर के लिए यह बस जा रही थी और शाजापुर में ये दुर्घटना हुआ। जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं, बाईपास हाईवे नंबर 52 पर यह हादसा हुआ। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे नंबर 52 पर आज अल सुबह एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हुआ। ये जो बस है ये श्योपुर से इंदौर की ओर जा रही थी। एसी कोच स्लीपर क्लास बस है ये और इस बस में के बाद जा रही, जिन्हें मौके पर पहुंची रॉयल एनफील्ड की टीम, पुलिस और बाकी लोगों ने अस्पताल पहुंचाया जहां उनका इलाज जारी है। श्योपुर से इंदौर ये जा रही बस थी। ड्राइवर ने बताया कि आगे जो ट्रक चल रहा था उसके अचानक ब्रेक लगाने की वजह से ये हादसा हुआ है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं बस पूरी तरीके से सामने से क्षतिग्रस्त हो गई। यह हादसा और भी बड़ा हो सकता है और एक बार फिर सड़क पर बड़े हादसे। और भिंड से अगली खबर, जहां रेत के अवैध परिवहन पर नकेल कसी गई। रात में एसपी ने खुद मोर्चा संभाला और अवैध परिवहन करते पकड़े वाहन। दरअसल रेत से भरे 12 ट्रक्स पकड़े गए। ट्रक्स की नंबर प्लेट्स गायब मिली, बिना रॉयल्टी और ओवरलोड ये ट्रक थे। माइनिंग टीम को बुलाकर कार्रवाई की गई। और भोपाल के कोहे फिजा पुलिस की